नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, एक तरफ जहां पर आप देख रहे हैं कि देश और दुनिया में कोरोना का प्रकोप अभी भी चल रहा है, एक तरफ भारत में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, जहाँ पर नंबर्स डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की कमी भी हमें देखने को मिली, ऑक्सीजन की कमी भी हमें देखने को मिली, जहाँ पर लोगों के अंदर डर का माहौल हमें देखने को मिला और बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति का सामना हम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल यहाँ पर है, अच्छा समय कब आएगा, कब चीज़ें सुधरने लग जाएंगी, वैन द बेटर टाइम विल स्टार्ट, कैसे हम इस सारी परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे और आखिर कब तक इस समय हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा, क्या कोई और नई वेव आएगी या नहीं आएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको फाइनल डेट्स यहां पर देने वाला हूं और आपको सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अब यहां से आगे वाला समय चलेगा और कैसे चीजें बहुत जल्दी अच्छी होती जाएंगी। अगर मैं आप सभी को याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो जब 2021 की शुरुआत हुई थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 2021 इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट 21 अप्रैल से पहले पहले का, सेकंड पार्ट 21 अप्रैल से लेके और 21 नवंबर तक के बीच का, और उसके बाद तीसरा पार्ट जो था वो नवंबर और दिसंबर के महीने का। इस बीच में कैसे और किस तरह से परिस्थितियां सही होंगी और कब हमें थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं एक ब्रीफ कैलकुलेशन आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं कुछ पुराने इवेंट्स याद करूं ज्योतिष के माध्यम से कि क्या घटनाएं घटी थी, तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 10 फरवरी 2021, ये वो दिन था जब 6 ग्रह यहां पर कैप्रिकॉर्न के अंदर इकट्ठे हुए थे। 6 ग्रहों का एक साथ इकट्ठे होना कहीं ना कहीं एक अशुभ संकेत यहाँ पर दे रहा था उस समय। उसके बाद 13 मार्च जब 4 ग्रह यहाँ पर एक्वेरियस के अंदर इकट्ठे हुए थे, तब भी एक अशुभ संकेत हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 28 मार्च का ये वो समय था दोस्तों, जब आपको पता होगा कि राहु और मंगल के बीच में बहुत कम डिग्री का डिफरेंस रहा था, या दोनों ही प्लैनेट एक ही डिग्री पर थे, अंगारक योग चरम पर था उस समय भी हमने बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति देखी। उसके बाद आया अप्रैल का महीना, एक बड़ा ऐसा महीना जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था। अप्रैल के महीने में गुरु का हुआ राशि परिवर्तन और गुरु रहे नीच की अवस्था से बाहर आ गए। उसके बाद सूर्य भी अपनी उच्च की राशि में आ गए, बट मंगल का हो गया राशि परिवर्तन और मंगल आ गए मिथुन में। इसी के साथ साथ मंगल ने करा नक्षत्र परिवर्तन और मंगल पहुंच गए आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र में मंगल का जो प्रभाव है वो 4 पार्ट में डिवाइड था। इसका वीडियो भी मैंने बना के डाल दिया कि मंगल कब अग्रेसिव होंगे, कब न्यूट्रल रहेंगे और किस तरह से आद्रा में मंगल प्रभाव देंगे। इसके बाद अब आगे क्या, मई का महीना कैसा जाने वाला है, इसका एक डिटेल वीडियो भी मैंने आपको बना के दे दिया। इसके बाद क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आई, काफ़ी लोगों के सवाल आए सर कि प्लीज़ एक बार पूरे साल का वीडियो बना दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिले और हमें पता चले कि हमें कैसे काम करना है और कैसे हमें आगे का जीवन जीना है। तो उसी चीज़ को लेके मैं आप सभी के सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ और उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। तो अब तक जो हुआ उसके बाद अब आगे क्या होने वाला है, इसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं। देखिए, मंगल ने जितना बुरा करना था कर दिया, समय जितना खराब होना था हो गया, चीज़ें जितनी विकट होनी थी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 15 मई के बाद से समय बदलने लग जाएगा, 15 मई के बाद से चीज़ें बदलने लग जाएंगी। इवन अभी तक भी हमने देखा है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी देश मास्क फ्री हो रहे हैं, इसमें भारत कब मास्क फ्री होगा इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा ज़रूर करेंगे आज। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 15 मई के बाद से चीज़ें अब और भी ज़्यादा चेंज होने लग जाएंगी। 15 मई से पहले पहले भारत में बहुत कुछ घटने वाला है, जैसे कि अच्छी चीज़ें, जैसे कि कुछ सावधानी ली जाएंगी, कुछ चीज़ों पर काम किया जाएगा और परिस्थिति को कंट्रोल में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 मई से ही हो जाएगी जब 18+ को सभी को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, और वैक्सीन एक तरह से रास्ता है वायरस को अपने अंदर ख़त्म करने का, साथ ही साथ डेथ रेट को कंट्रोल करने का और छुटकारा पाने का और मास्क फ्री होने का। तो
तो यहां पर ये एक संकेत दिखाई देता है कि शुभ चीजों की शुरुआत हो चुकी है और चीजें कहीं ना कहीं अच्छी होना शुरू हो रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके बाद अब आने वाले समय में बहुत कुछ घटने वाला है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज और सबसे अच्छी चीज यहां पर घटने वाली है, वो है केतु के लिए। केतु बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं यहां पर, और केतु करने वाले हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन। केतु के नक्षत्र परिवर्तन की शुरुआत जो अगर हम देखें दोस्तों, तो वो 9 मई से हो जाएगी। 9 मई से ही केतु की नक्षत्र परिवर्तन की शुरुआत रच ली जाएगी, कहानी यहां पर शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद एग्जैक्टली अगर केतु का नक्षत्र परिवर्तन देखें दोस्तों, तो केतु ने यहां पर नक्षत्र जो परिवर्तन करेंगे वो जून के महीने में यहां पर करेंगे, और उस समय केतु नक्षत्र परिवर्तन करके अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र यहां पर है। इसका एक ब्रीफ वीडियो में बाद में और बनाऊंगा जब ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा होगा, बट अभी मैं आपको बड़े लेवल पे कैलकुलेशन यहां पर दिखा रहा हूं। और ट्रस्ट मी, मैं काफी लंबे समय से इस नक्षत्र परिवर्तन का वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने पहले पुराने वीडियो में भी कहा था कि केतु एक बार नक्षत्र परिवर्तन कर देगा तो वहां से मई के महीने से कहानियां चेंज होने लग जाएंगी, चीजें चेंज होने लग जाएंगी और माहौल भी यहां पर चेंज होने लग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आने वाला समय डेफिनेटली यहां पर अच्छा जाएगा। अब एक अच्छे लेवल की यहां पर शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम भी बहुत जल्दी यहां पर मास्क फ्री होते हुए दिखने लग जाएंगे। इसकी शुरुआत कब होगी, डेट क्या होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूं। अनुराधा नक्षत्र में जब केतु बैठेंगे तो डेफिनेटली वो एक तरह से मोटिवेशनल तरीके से आप सभी की मदद करने लग जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र में केतु जब आता है दोस्तों, तो वो हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, वो चीज़ों को अच्छा करता है और कहीं ना कहीं आप सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर चीज़ों को शुरुआत करेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो उसमें सबसे बड़ा जो प्लेनेट था वो था केतु। केतु ने ही अगर हम माने कि यहां पर शुरुआत करी है, तो दिस इज द टाइम, ये वो समय है जहां पर केतु ही इस पूरे वायरस को रोकने में या इसको डाउन करने में कामयाब रहेगा। जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी उस चीज़ का अंत यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, बट इसके प्रभाव, ये जो बार बार रूप बदल रहा है, बार बार जो स्ट्रेन बदल रहे हैं, नए नए स्ट्रेन उठ उठ के खड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब कम होने लग जाएंगी या ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होने लग जाएंगी। अब ना तो ये वायरस रूप बदलेगा, ना ही यहाँ पर नए नए स्ट्रेन आएंगे और ना ही उनसे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मतलब कि केतु ने जिस चीज़ को शुरू किया, केतु वहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। और यहाँ पर बुध और गुरु का सहयोग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी इस वायरस से बचना चाहते हैं और अपने आप को क्योर करना चाहते हैं, तो मरकरी, जुपिटर, मून एंड केतु, ये चार प्लेनेट को अपने चार्ट में मजबूत कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप बहुत हद तक इस वायरस से सेफ हो जाएंगे। कैसे और क्या करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल एनालिसिस संडे के दिन लाइव सेशन में, उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताऊँगा। बट यस, अभी का जो समय है उसमें इस नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। अब ये जो नक्षत्र है दोस्तों, यहाँ पर ये हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा, और इसी के साथ साथ गुरु भी यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, गुरु और शनि रेट्रोगेट होने वाले हैं। जी हाँ, प्लूटो ऑलरेडी रेट्रोगेट है, यहाँ पर गुरु और शनि रेट्रोगेट होने वाले हैं। और जब गुरु और शनि रेट्रोगेट होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जुपिटर रेट्रोगेट होगा। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जुपिटर रेट्रोगेट होगा, वापस वो नीच की राशि में आएगा, तबाही मचाएगा, परेशानी पैदा करेगा, एक और वेव आएगी, एक और बड़ा संग्राम होगा। बट मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जुपिटर जब नीच का होके वापस, मतलब अपनी फ्रेश अवस्था में होके जब रेट्रोगेट होते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जब आप कीचड़ में गिर जाते हैं, तो वापस वहाँ से बाहर आके आप अपने आप को साफ जब करते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, तो उसमें कुछ समय लगता है। उस समय की शुरुआत तो हमने देख ली थी, जुपिटर जैसे जैसे 3 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, एक ना एक दिन डेली कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। तो जुपिटर ने अपने आप को साफ तो कर लिया, अब आपको अगर पता हो तो दोस्तों, भीगे हुए कपड़े भी तो हैं, खराब कपड़े भी तो हैं, उन्हें भी तो साफ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वही चीज़, मतलब कि कीचड़ में हाथ भेगना, कीचड़ के कपड़ों को धोना, दैट इज़ कमिंग द जुपिटर, की वापस यहाँ पे नीच का आएगा, उस काम को ख़त्म करेगा और फिर वापस से अपनी राशि कुंभ, मतलब अलग राशि, मतलब कुंभ में वापस से यहाँ पर चला जाएगा। सो दैट इज़ यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो यहां पर जुपिटर जो वो वापस नीच का होगा, 2 डिग्री तक यहां पर नीच का रहेगा, उसके बाद फटाफट से वापस से ऊपर चला जाएगा और बहुत अच्छी स्पीड में जाएगा। इट मींस कि इट विल वॉश थिंग्स, इट विल गिव यू द न्यू थिंग्स। तो यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कोरोना बड़ा होगा, कोरोना प्रकोप बढ़ाएगा, कोरोना चीजें खराब करेगा और कोरोना एक चीजों को गलत लेवल पे लेके जाएगा। नहीं, यहां से खराब से अच्छी चीजें। द जुपिटर इज कमिंग टू द मकर राशि कैप्रिकॉन, इट मींस इट विल डू फ्रॉम बैड टू गुड, मतलब कि खराब से चीजें अच्छी करेगा और आप सभी को फायदा देने की ही कोशिश करेगा और सडनली एक वापस चेंज दिखेगा और फटाफट से जुपिटर जो है वो वापस से एक्वेरियस में चला जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो इसीलिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो समय रहेगा दोस्तों, ये ट्रांजिट गोचर का रेट्रोगेशन के उस फ्रेम में लेकर रहेगा। बट यहां पर राहु थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, केतु बहुत अच्छा रहेगा, तो इसीलिए जुपिटर का खराब होना भी एक वरदान के बराबर रहेगा। और जो एक अज्यूमिंग कर रहे हैं कि तीसरी वेव या लॉकडाउन या एक बड़ी वेव या एक वायरस का पीक वापस से आ जाना, ये इसी टाइम के अनुसार देखने को लगता है। बट जब मैं अपनी डीप कैलकुलेशन कहता हूँ तो उस डीप कैलकुलेशन में मुझे इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखाई देता, इतना ज़्यादा खराब चीज़ें, खराब परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं दिखाई देती। यहाँ से लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लग जाएंगे, अपनी इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं काम करने लग जाएंगे, हर देश अपनी इकोनॉमी पर काम करने लगेगा और डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अच्छी होना शुरू हो जाएंगी और वायरस से हम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चांसेस बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देते हैं। उस समय की क्या कैलकुलेशन होगी ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर अभी मैं ऊपर ऊपर से जो कैलकुलेशन होती है वो मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अब आता है बेस्ट पीरियड, जिसको मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छा समय। अक्टूबर का महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना जो रहेगा ये रहेगा इकोनॉमी का महीना। मैंने आपको पहले भी कहा था अक्टूबर के महीने से अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो जाएगी, अमेरिका अपने आप को आगे बढ़ना शुरू कर देगा और अमेरिका कहीं ना कहीं एक नए लेवल पर, एक नई शुरुआत के साथ पूरे विश्व में अपने आप को एक अलग लेवल पर रखना शुरू करेगा। अमेरिका के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर भारत भी इकोनॉमी की शुरुआत करना शुरू कर देगा और भारत की इकोनॉमी जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में। नवंबर का महीना ये वो महीना है जो मैंने पहले भी कहा था, 21 नवंबर 2021, ये वो डेट है, उसके बाद से चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद से इकोनॉमी लेवल बहुत एकदम से रेस करना शुरू करेगा। ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हवाई जहाज, सभी जगह चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। जो देश अभी सीमा बंद करके बैठे हैं, जहां पर हम फ्लाई नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, वो सारी कंट्रीज ओपन होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे काफ़ी अच्छे लेवल पे चीज़ें बनने लग जाएंगी। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, चीज़ें बहुत अच्छी लेवल पे जाने लग जाएंगी और कहीं ना कहीं रिसर्च हर एक चीज़ पर बढ़ जाएगा। मेडिसिन, वैक्सीन, इन पर और भी ज़्यादा अच्छी पकड़ कर ली जाएगी और भी अच्छी वैक्सीन और मेडिसिन यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देने लग जाएंगी। तो इसीलिए 2021 का साल जो है वो एक तरह से, मैंने पहले भी कहा था, शुरुआत का साल है, एक नई शुरुआत का साल है, एक नई चीज़ों को करने का साल है, ना कि ये 2020 के जैसे ही वर्स्ट साल है। कुछ समय अगर ख़राब आ जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा साल खराब हो जाए। इसीलिए दोस्तों आप सभी से कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, चीज़ें जो हैं ये पूरे साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और देखिए, अच्छा और बुरा दोनों ही आते हैं हर साल, कभी हमें अच्छा चीज़ें देखने को मिलता है, कभी हमें ख़राब चीज़ें देखने को मिलती है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब 2021 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे एक नई चीज़ मिलती जाएगी, हर एक कंट्री अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी और हर एक कंट्री कहीं ना कहीं कोरोना पर अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आएगी। जो मेन कोरोना वायरस था वो अब समाप्त हो चुका है, नए स्ट्रेन की डेट कब आया वहाँ से जो कैलकुलेशन करें तो वो भी अब यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आएगा और हम भी मास्क फ्री हो जाएंगे, चीज़ें बनने लग जाएंगी और चीज़ें अच्छे लेवल पे अपने आप को आगे लेके चलने लगेंगी। उम्मीद करता हूँ आप भी इस कैलकुलेशंस को समझेंगे और इस कैलकुलेशन को समझ के अपने आप को आगे लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एवरी फ्रेम जो है आप धीरे धीरे जो है अच्छे समय में आने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें और साथ ही साथ वीडियोस देखते रहिएगा, आपको हर एक जानकारी अच्छे लेवल पे मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।